Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. 5 year Maharashtra CET Law 2023 की जो एग्ज़ाम है वो होने जा रही है 20 अप्रैल 20 अप्रैल को, एंड हमारे पास गिन के 20 दिन बचे हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो आपको अभी पढ़ने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपका पूरा पढ़ाई हो चुका है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने चाहिए, एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। ओके, दिस आर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनालॉजी 1, नंबर एंड लेटर सीरीज 5, मिसिंग नंबर 2, ब्लड रिलेशन 3, कोडिंग रिकोडिंग 3, डायरेक्शन सेंस 3, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, ये दोनों मिला के 12 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट 2 साल का अगर आप पेपर देखोगे तो वो ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर 2, सिलॉक्स 2। अब यस, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी है। एक, ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, यहाँ से कुल मिला के 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड इक्वेशन, वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई रिकमेंड कि ये जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चंस होंगे, एंड 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग से, जिसके अंदर आपका कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन, तो मिला जुला के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, एंड 35 क्वेश्चन ये सारे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करिए अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हो तो। ठीक है, एंड अगर आपके पास समय है, ये सारे टॉपिक्स भी आपको जरूर करना चाहिए। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मेन आपका जो है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 पैसेजेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। एक पैसेज हो सकता है 5 क्वेश्चन का, एंड दूसरा पैसेज 4 क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन पैरा जम्बल्ड या फिर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ओके, मतलब वर्ड होंगे उसको आपको सिक्वेंस में डालना है, या सेंटेंस होंगे छोटे छोटे, या पैरा होगा जिसको आपको जम्बल में डालना है, वो 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पॉटिंग एरर 4, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर क्लोज पैसेज 3 मार्क्स के, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर सेंटेंस मैचिंग, ये आपके 4 क्वेश्चंस। एंड ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये वोकैबुलरी के पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको मैनियाज, फोबियाज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यस, हाँ, जनरली हमने ये देखा है कि जो पैसेज होता है इसी के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पूछ लेता है, बट दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश। एंड लीगल की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका रखेगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 12 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 और 2 देखने को मिलेगा, बट इट इज़ 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स 6 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ 6, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये हो सकता है कि आपको जीके में भी देखने को मिले, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस हम देखने को मिल सकता है, यहाँ से 12 क्वेश्चंस। फैमिली लॉ 2 क्वेश्चंस, लीगल टर्म्स, मैगजीन्स, लीगल रिलेटेड जीके, ये 1 या 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बैंकिंग, टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चन 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर 1, मिसलिनियस में 5। एंड मिसलिनियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली पॉपुलर नेम्स, गेम्स रिलेटेड चीज़ें, अवार्ड्स होते हैं, प्राइजेस होते हैं, आर्ट्स होते हैं, बुक्स, ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, कंट्रीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिसलिनियस में पूछे जाते हैं, जो 5 से 6 क्वेश्चन आप देख सकते हो। एंड 1 साल का करंट अफेयर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि 1 साल कब का होगा, 1 साल आपके एग्जाम के पहले का होगा। मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स आपको हो सकता है लास्ट 6 महीने के पूछे जाए। ठीक है, मैथ्स सिर्फ 10 मार्क का आता है, ये गेम चेंजर होता है। ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, 5 टॉपिक, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड एवरेजेस, यहाँ से आपको 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड 1 से 2 क्वेश्चन किसी और टॉपिक से हो सकते हैं। तो अगर आपने मैथ्स प्रिपेयर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी प्रिपेयर करने जा रहे हो तो ये टॉपिक आपको पहले करने होंगे, खासकर आप परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अब ये तो बात होगी टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाएंगे। हमने क्या लॉन्च किया, हमने 2-3 चीज़ें नई लॉन्च की है। पहला, अगर आपको इंग्लिश में अगर आप पेपर लिखना चाह रहे हो
10 ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया ओनली एट 499 रुपीज में, जिसमें जो मॉक्स है उसी को हमने जंबल्ड में भी करके रखा हुआ है, क्योंकि चांसेस है जो पेपर है वो सेक्शन वाइज ना आके जंबल्ड में भी आ सकता है। तो हमारा जो मॉक टेस्ट है इसके अंदर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसी को हमने जंबल्ड में भी कर दिया ताकि आप फील ले पाओ अगर पेपर जंबल्ड में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मराठी में लिखना चाहते हो, 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं जिसको हमने जंबल्ड में भी कन्वर्ट किया हुआ है, 299 रुपीज़ इसका प्राइस है। दोनों के जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लस हमारा जो ऐप है ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हो हमारे ऐप के अंदर, बी एडुकेयर जो हमारे ऐप का नाम है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लैपटॉप पे भी एक्सेस करना चाहते हो online.beadukya.com पे आना है। इसमें कुछ और कोर्सेज हैं 2023 को लेकर, जैसे कि अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कंप्लीट सिलेबस है, 350 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ई बुक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की ई न्यूज़ हाईलाइटर, एडमिशन प्रोसेस में भी हम आपको हेल्प करेंगे। यू कैन ऑल्सो कॉल अस फॉर एनी स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसका प्राइस 3499 है जो आप ऐप के थ्रू ले सकते हो। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में सिर्फ तकलीफ आ रही है, हो सकता है लीगल एप्टीट्यूड, मराठी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ओनली एट 499 हमने सारे कोर्सेज की जो प्राइस है, क्योंकि अभी दिन काफ़ी कम बचे हुए तो हमने कोर्सेज की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दी है, तो अब ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ओके, एंड कंप्लीट फुल लेंथ अगर आपको टेस्ट चाहिए जिसमें 5 मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो उसकी प्राइस ये रही। बुक आपको लेनी है जो हार्ड कॉपी बुक है जो हम फ्री डिलीवरी करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 1500 उसका प्राइस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको अलग अलग कोर्सेज उसके प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। फाइन, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ले सकते हैं। फाइन, सो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। 20 दिन है, 20 दिन में, क्योंकि अभी आपका 12th का बोर्ड हो चुका है, राइट। अब आपके पास 20 दिन है जहाँ पे आपको और किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं करनी है। सो 20 दिन में व्हाट वी रिकमेंड, एटलीस्ट दिन के 6 घंटे 8 घंटे आप अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, ये सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हो, देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड स्कोर। वी हैव 3 ब्रांचेस इन मुंबई, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली। एडमिशन वी आर क्लोजिंग इन 1 or 2 days। ओके, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे 1-2 दिन में उनके हम जो बैकअप लेक्चर्स हैं वो जरूर देंगे। तो अगर आप ऑफलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हो तीनों ब्रांचेस में, आप किसी भी एक ब्रांच में विजिट कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स में भी वी आर क्लोजिंग एडमिशंस, क्योंकि कम दिन बचेंगे, वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अभी हमारे रेगुलर लेक्चर्स हमने रिसेंटली बैच चालू किया है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ना चाहते हो वी आर रेडी। ओके, वी आर अवेलेबल फॉर यू। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा जो नंबर है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, आपको लॉ सीईटी के बारे में कुछ भी पूछना है आप बेझिझक हमें कॉल करिए, 10 AM से लेके इवनिंग के 7-7:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। आप कॉल के साथ साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई में हो तो फॉर एनी कंसल्टिंग आप हमारे ब्रांच में भी विजिट कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।